दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बातें करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना देर किए हुए। आज मैं नटवर लाल के बारे में बताने वाला हूं। आइए पहले मैं इनका परिचय से स्टार्ट करता हूं कि भारत के मशहूर ठग नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। गाँव का नाम बंगरा गाँव था। नटवर लाल भारत के प्रसिद्ध भारतीय ऐसे ठग थे कि जिन्होंने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच डाला था इन्होंने, वो भी सरकारी कर्मचारी बनकर। दोस्तों और इनके हम प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं तो इनका प्रारंभिक जीवन आपको बता ही दिया है कि बंगरा गाँव में इनका जन्म हुआ था, वो भी रईस जमींदार घराने में। रघुनाथ श्रीवास्तव जी के घर इनके जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रघुनाथ श्रीवास्तव था। और दोस्तों आपको बता दें कि मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने में इनका दो अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि पढ़ने में ये बहुत ही कमज़ोर थे और ये दोस्तों ये शतरंज और फुटबॉल बहुत ही अच्छे खेलते थे, लेकिन क्या था इनमें कमी कि ये पढ़ाई करने में बहुत ही कमज़ोर थे। और आपको बता दें कि ये परीक्षा दिए थे मैट्रिक का, मैट्रिक का परीक्षा जब ये दिए थे तो मैट्रिक में ये फेल हो गए थे। और फेल हो जाने कारण दोस्तों इनके पिताजी इन पे बहुत गुस्सा हुए तो इनके पिताजी इनको बहुत ही मार लगाई, यानी कि दोस्तों बहुत ही इनको मारा। तो ये घर से नाराज होकर और घर से भाग गए। घर से ये भागे तो कलकत्ता भाग गए। कलकत्ता ये भागे तो रोड पे दोस्तों, रोड के किनारे फुटपाथ पे ये पढ़ाई कर रहे थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत ही बड़े एक सेठ का नज़र इन पे पड़ा। तो सेठ का एक लड़का था। सेठ अपने लड़के से बोले कि आज से तुम इस लड़के का देखरेख तुम करोगे, यानी कि पढ़ाई का जो देखरेख होता है वो तुम करोगे, यानी कि दोस्तों इस लड़के को तुम पढ़ाओगे, सेठ बोला दोस्तों। तो जो लड़का था सेठ का वो पढ़ाने लगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे नटवर लाल जैसे जैसे बड़े हुए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, जैसे कि मैट्रिक के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी तो नटवर लाल वहाँ से धीरे धीरे ठगी करना चार लाख रुपए का घपला कर ठगी कर दिए। तो आपको बता दें कि सेठ का सेठ करते करते दोस्तों सेठ उनको अपने पास रहकर जो पढ़ाता था, जब तक सेठ समझ पाता तब तक उनका हूबहू सिग्नेचर करके गायब कर दिया था। तो सेठ समझ नहीं पाए। उसके बाद दोस्तों वो वहीं से स्नातक किए नटवर लाल। उसके बाद धीरे धीरे सिग्नेचर करते करते बड़ा हाथ मारने लगे, यानी कि दोस्तों साइन करते करते वो बहुत बड़ा हाथ मारने लगे। एक बार तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का हूबहू सिग्नेचर करके संसद भवन तक को बेच दिया था उन्होंने, वो भी सरकारी कर्मचारी बनकर। आपको हम बता दें कि इन्होंने 3 बार ताजमहल को बेच दिया था और 2 बार लाल किला को इन्होंने बेच दिया था। और आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन को इन्होंने बेच दिया था। यही नटवर लाल की कहानी है दोस्तों। ये बहुत सारे इनके बारे में कहानियां हैं तो यहीं तक आपको हम रहने देते हैं। ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, साथ में आपको हम बता दिए। अगला वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे, तब तक जय हिंद।